हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएचएसए साइंस क्लासेस। आज आम डिस्कशन करवा अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो आम आगर डिस्कशन कर सारे अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, केमती ह्यूमन ह्यूमन बीइंग रो डेवलपमेंट होची फ्रॉम ए सिंगल सेल जायगोट टू ए कंप्लीट बेबी, है ना। तो आज आम डिस्कशन करवा अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बुझा रिप्रोडक्टिव हेल्थ माने कौन, तार मैंने सहित एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन। ओके, एंड आम डिस्कशन करवा या ये जो प्रॉब्लम्स जहाँ डेवलप होता सल्व कमी कर बुझा आम ना व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ माने कौन, एक्चुअली जो सिंपली डिफाइन कर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, सो इट इज ना It is having healthy reproductive organs with normal function. मुझे ना तो simply इटा कौन ना healthy reproductive organs यदि जाने possess करुची with normal functioning, then that the individual is said to be reproductively healthy. But actually, what happened? World Health Organization. से कौन कहले ना ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट इज नॉट सफिशिएंट। डब्ल्यूएचओ केमती कौन डिफाइन कला मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ना इट इज टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफाइन कला रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल एस्पेक्ट्स मैंने कौन कौन सेटा मध्य से कहला दैट इज फिजिकल सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल। ओके, तो आमे ओनली फिजिकल एस्पेक्ट को नेगी कहिदिले, बट डब्ल्यूएचओ कौन कहिला ओनली फिजिकल एस्पेक्ट इज नॉट एफिशिएंट टू मैं जन को जब आम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहवा, सिंपली हैविंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन इज नॉट इनफ। से कौन कहले ना तर सोशल इमोशनल बिहेवियरल वेलबींग रहा जरूरी। तो से कौन मैंने डायरेक्टली ये कौन कहे ना गोटे सोसाइटी को आम के रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहवा ना जिते बड़े सोसाइटी रोकवा लोक मैंने। ओके, बुझेगा जो सोसाइटी रोकवा लोक मान रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नॉर्मल मैं फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल थी, ता छड़ा भितर जो इंटरैक्शन से पीपल मानक इंटरैक्शन टा कौन हाँ पड़े नॉर्मली हाँ पड़े मैं दे शुड हैव एन इंटरैक्शन अमंग देमसेल्व्स रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर्स। किसी यदि प्रॉब्लम है से मैंने आपस रे शेयर करने हेजिटेट करती बिकॉज मैंने डे बाय डे मैंने ये डेवलप्ड है आज भी सोसाइटी किसी भी मैटर रिलेटिंग टू दिस इज कनसीडर्ड एज ए सोशल स्टिग्मा। ओके, किसी लोक अवेयर होकर सफर होती किसी लोक अवेयर न होकर सफर होती जदि भी अवेयर अच्छा तथापि से कौन करेजिटेट करणवाई बुझेगा। सो सोसाइटी गोटे को केते बेले हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहवा ए सोसाइटी इज सेड टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इफ अ सोसाइटी is having people with normal physically functionally normal reproductive system
एंड विथ नॉर्मल बिहेवियरल एंड इमोशनल क्लियर सो ए सोसाइटी को हमें कितने बड़े रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहवा इफ अ सोसाइटी इज हैविंग पीपल विथ फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड विथ नॉर्मल बिहेवियरल एंड इमोशनल इंटरैक्शन अमोंग देम एंड विथ नॉर्मल बिहेवियरल एंड इमोशनल इंटरैक्शन अमोंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स देन is considered as reproductively healthy. Clear? ये तो बुझे ही थे ना reproductive health माने कौन? It is not only the physical well-being, but physically से well अच्छी that doesn't mean कि he or she is reproductively healthy. So individual should be well in terms of social, emotional and behavioral aspects of also. Bujhela? So dekho, next I mean bujhiba na, what are the problems because of this reproductive health, kono kono problem arise hechi and taku kimti steps, kono kono steps niya hechi to deal with them. Okay, so India is one of those countries jk 1951 re programs initiate kala, plans, schemes in the plan initiate kala to deal with this reproductive health. But unfortunately, aaj madhya se sethi ki success, mane jethi ki hava katha sethi ki ame feel kari parne because of some problems associated with it, jura ki aaj ame discussion kari ba. To kaun kaun steps nahi ki taku pune deal kara hoche, aaj madhya struggle kara hoche to deal with this reproductive health. Kahin ki, mane reproductive health kahin ki ethic essential hai porche, seta madhya ame discussion kari ba. Okay? So first of all, problems associated with reproductive health. जोधी हमें देखी बा ना किसी years back जितने हमें देखी बा मैंने past in the year में जितने medical facility ये तो develop ही नहीं थी ला and जितने वाले के हम पके जोधी medical facility जोधी available मध्य है ला लोगों के पके access नहीं थी ला है ना तो इतने कौन होता ला लोगों think थी ला कौन ना समान के पके इतनी facility नहीं थी ला समान जाए कि समान checkup नहीं पा रहे ओके तो सेतबाय कोन होतला सर्वाइवेबिलिटी रेटटा बहुत कम थिला होना मोर्टेलिटी रेटटा अधिक थिला बट धीरे धीरे कोन हला जेंते टेक्नोलॉजी इंप्रूव हे गला अल्टीमेटली लोको जाने परले मेडिकल फैसिलिटी रो यूजेस माने करिवर लागले सर्वाइवेबिलिटी रेटटा बढ़ला बुझेला बट जदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखिबा हमें जदियो माने गवर्नमेंट ट्राई करू छी तथापि किछि अवेयरनेस नथिबा जगु लोको सेठी जाके पहुंची पर नहंती बट तारो एक्चुअली फायदा मैंने एक्चुअली एडवांटेज तो नहीं पार ना बुझे ना तो फर्स्ट लैक ना हूँ कौन ना लैक ऑफ अवेयरनेस तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो जदि मैंने आम मैंने बुझीगल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मान कौन लोक मैं से जिनसा को एक्सेप्ट करने रेडी ना से जिनस को तो आज मैं गोटे गोटे मानने इनसिक्योर फिल कर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकिन बुझेगा तो फर्स्ट थिंग आम कौन कर लोक अवेयर करने पड़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज है ना तो फॉर दैट आम को लोक एजुकेट करवाई पड़ो बुझेगा तो ये नथिबा जगह कौन हो सेमती सफर करने प्रिफर कर बट तार मैंने से मैंने डॉक्टर पाख जा ट्रीट होने रिकवर हाँपाई ट्रा चेस्टा कर बुझेगा नेक्स्ट हूँ कौन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो इंडिया रे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो प्रॉब्लम आ मैक्सिमम एसोसिएटेड विद दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ପପୁଲେସନଟା ବଢି ବଢି ଯିବ ଅଲଟିମେଟଲି ଫୁଡ଼ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଅଲଟିମେଟଲି ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଫୁଡ଼ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲାନି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଗେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମଦର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ ନା, ସେ ଯଦି ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ଅଲଟିମେଟଲି ତାର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ନା। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ WHO ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ମଦର ମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ମାନେ କ'ଣ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ, ମାନେ ଆଇଦର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାନେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ଭାରିଅସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ସମ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସୁଛି ହଁ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍କନ୍ସେପ୍ସନ୍ସ ଦିନ ଥିଲା ନା, କ'ଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହିଁ ନଥିଲା ଫର୍ ଦିସ୍, କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଆଟେନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଆସେ। ତ ଯେତେବେଳେ କି ଅର୍ଗନ୍ସର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଯଦି ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରା ଦିଆଯାଏ, ଦେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଥିବ ସେ ନିଜେ ତା'ର ୟୁଟେରାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇନଥିବ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୁଏ, ସେମିତି ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୁଏ, ଦେନ୍ ଅଲଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଛୁଆଟା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଅଲଟିମେଟଲି ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଆମକୁ ଆୱେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ନା ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜି କ'ଣ, ମାନେ ହାଉ ଦ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍, କେମିତି ଆମର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫିଜିଓଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନା। ଯେହେତୁ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲିକର୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ନ ଦିଆଯିବ, ଦେନ୍ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସେକ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ସ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହଁ ନା। ତ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେଉଁ ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍କନ୍ସେପ୍ସନ୍ସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେରିୟର୍ ଅଛି ବିଟୱିନ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲ, ଏ ବେରିୟର୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଏଜୁକେଟ୍ କରାଇ ପାରିଲେ ଆମେ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ବେରିୟର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ଡ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହିଁ ସେ ତାକୁ ସବୁ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହଁ ନା। ତ ଯଦିଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ସେ ନୋ ମୋର୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହଁ ନା। ତ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି, ଆମର ଫିମେଲ୍ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍ ମାନେ ମିଥ୍ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମୋର୍ ସୁପିରିୟର୍ ଦେନ୍ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନା। ତ ଇଲିଗାଲ୍ ଏବୋର୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଇ ଇଲିଗାଲ୍ ଏବୋର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମିନୋ ସେଣ୍ଟେସିସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଏନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଡିସ୍ଅର୍ଡ଼ର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ଫିଟ୍ନେସ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରୁଛି ତା'ର ଆମିନୋଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯଦି କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ତା'ର ସର୍ଭାଇବିଲିଟି ଲେସ୍ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରା ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବା, ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ନା ୱେଦର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହଁ ନା। ତ ଯଦି ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଫିମେଲ୍ ଫର୍ଟିସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଏବୋର୍ସନ୍ ଯଦି କରୁଛେ, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ହଁ ନା। ଯେଉଁ ଜଣକୁ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ସେଟା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଦ ଏସ୍ଟିଡ଼ିସ୍ ବା ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ଼୍ ଡିଜିଜେସ୍। ତ ଏସ୍ଟିଡ଼ିସ୍ କ'ଣ ନା, ଦୋଜ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ଼୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ଇନସିକ୍ୟୁର୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଦେ ହେଜିଟେଟ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଏ ଡକ୍ଟର ଅଲ୍ସୋ। ତ ଡକ୍ଟରକୁ ବି ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ କଜ୍, କେମିତି ମାନେ ଆକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଆମେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଗଲେ ନା। ତ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସମ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ସମ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ NGOs ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ ଟୁ ଆୱେୟାର ପିପୁଲ୍ ଭେରିଅସ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି, ମାନେ ଭେରିଅସ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ବଗେରା ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଇବ ରୋଲ୍ କାହାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ରେସ୍ପିରେଟୋରି ସିଷ୍ଟମ୍, ସେମିତି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକି ସେମାନେ କିଛି ମିଥ୍ ବା ମିସ୍କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନେ।
ठीक अच्छे एंड जो रही आम फर्स्ट थिंग हूँ कौन ना अवेयरनेस प्रॉपर्ली क्रिएट करने पड़ो आमको ओके सो ये जो राइजिंग मैं पॉपुलेशन अच्छी जो किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाई आम पाखे बहुत सारा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल अच्छी तो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस रो यूजेस लोक जनवाई पड़ो तो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी मैंने बहुत सारा मानने टाइप्स अच्छी यार जो डिस्कशन करवा देन नेक्स्ट थिंग इज कौन जो लोक को एजुकेट करने पड़ो वन मोर थिंग मैंने देख मैंने जब इनकेस किसी मैं कोई इंडिविजुअल जो इनफर्टाइल अच्छी जब सी निजे कैपेबल नुह देर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हेल्प कर टू अटेम अचीव प्रेगनेंसी बट टू अचीव प्रेगनेंसी से किसी टेक्निक्स हेल्प कर दे आर नोन एज ए आर टी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जोटा कि आमको हेल्प कर टू अचीव प्रेगनेंसी इन इवेन इन द केस ऑफ इनफर्टाइल्स केमती सर इनके बुझे सर डिस्कशन करवा तो दिस आर द थिंग्स जो आज एत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गला जी आम से ओल्ड ये को लेकिन मैं धरी रही देन स्टिल मैं सफर हो जेनरेशन ठीक अच्छे तो देखो वन मोर थिंग जोटा कि जानवा दरकार से कौन ये चाइल्ड मैं 1951 फैमिली प्लानिंग डेवलप है तो सब आउ गोटे डेवलप हो जोटा हूँ RCH Reproductive and Child Health Care Program ओके तो यार मुझे एम कौन टू एनश्योर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने प्रमोट मैंने प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केमती मेंटेन करा जाए पारिबो एंड वन मोर थिंग से देखिए कौन ना एज वेल द चाइल्ड जो हम से चाइल्ड रे प्री नेटल केयर पोस्ट नेटल केयर एंड द जमीक किसी मदर्स अच्छा से प्रिफर करती मैंने विलेजेस प्रिफर करती ना घरे ही डेलीवरी करती मैंने मेडिकल जीवापाई से हेजिटेट करती आज मेडिकल सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ आसी पारे नहीं बहुत सारा रूरल एरियास रे ठीक अच्छे तो ये गवर्नमेंट कौन कला ना डिफरेंट स्कीम्स मैंने ये करा ताकि फॉरवर्ड आसबे से जानवे ना हाँ एमती है मैंने मेडिकल बिलीफ करेंगे से बिलीफ कर आगे आसबे ताकि किसी प्रॉपर केयर निया जाए पारे तो ये जिनसटा आम लोक एजुकेट करवेयर करेंगे ठीक है जिते अधिक लोक जाए मेडिकल डेलीवरी हम देन से कौन हो पार से छुआर लाइफ से मदर लाइफ से सिक्योर हो पार ओके सो नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा अबाउट डिफरेंट कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन कौन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस अच्छी कौन कौन मेथड्स अच्छी जोटा कि आम यूज करके प्रिवेंट कर प्रेगनेंसी ओके देर आर सर्टेन मेजर्स देर आर सर्टेन बर्थ कंट्रोल मेजर्स जहाँ को लेकिन आम कौन कर प्रेगनेंसी प्रिवेंट करे पारिबा ओके तो बोथ मेल रे एंड फीमेल रे मैं दुई जन जाकर टेक्निक्स अवेलेबल अच्छी तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखो कैटेगराइज कर पारिबा दिस बर्थ कंट्रोल मेजर्स तो फर्स्ट देख जो ये जो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी यूजिंग दिस मेजर्स आर नोन एज कंट्रासेप्शन कौन कहा जाए कंट्रासेप्शन कहा जाए प्रिवेंटिंग बर्थ मैंने प्रेगनेंसी यूजिंग सम डिवाइसेस कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज हुए तो देखो इटे आम फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखा ना व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ कंट्रासेप्शन तो ब्रॉडली आम कैटेगराइज कर पारिबा इनटू टेम्पररी टेक्निक्स एंड परमानेंट टेक्निक्स तो फर्स्ट इज टेम्पररी देन द नेक्स्ट इज परमानेंट ओके तो परमानेंटली जदि आम कौन करुचे किसी मैं सर्जी मोस्टली परमानेंट रे कौन हुए ना सर्जिकली से जो ट्यूबेक्टोमी एंड ट्यूब मैंने फेलोपियन ट्यूब एंड वास्ट डिफरेंस को कट करा दिया जाए तो मोस्टली फैमिली प्लानिंग रे एटा ही यूज करती मैंने ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी कर दिखती तो परमानेंट कंट्रासेप्शन रे कौन हुए आइदर ट्यूबेक्टोमी
और वैसेक्टोमी। तो सर्जिकली कौन करा है वो इन केस ऑफ फीमेल, एटा कोटी पे फीमेल रे, एटा पे मेल रे। फीमेल रे कौन है वो ना फैलोपियन ट्यूब को कट करा दिया जीवो। सपोज दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को कट करा है गला, देन आकु फोल्ड करके लाइगेट करा है जीवो, आकु मुझे फोल्ड करके इठे लाइगेट ना स्टिच करा दिया जीवो। ताकि कौन हम जदि ओवर रिलीज है ओवर रु ओवर रिलीज है से आसीपारे ये जो स्टिच रहीगला ना स्पर्म एंड ओवर फ्यूजन टाक प्रिवेंट कराला, तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी प्रिवेंट कराला। यहाँ फीमेल रे है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी रे कौन हुए वास्ट डिफरेंस। ओके वास्ट डिफरेंस को कट करा दिया जाए, कट करा है कि देन फोल्ड करी स्टिच कर देबे, एज ए रिजल्ट सर्जिकली हम ये सब। तो कौन हम देखो वैसेक्टोमी रे मध्य टेस्टिस स्पर्म तैयारी हेले मध्य सक्सेसफुली इजाकुलेट हो पारे नी, एज ए रिजल्ट कौन हुए प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड। बुझेला दिस इज द परमानेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। देन देखो टेम्पोररी मेथड्स कौन कौन हो पारे, ठीक अच्छे टेम्पोररी मेथड्स से मध्य अगेन कैटेगराइज हो पारे इनटू वन इज नेचुरल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, ओके टेम्पररी मेथड से कौन कौन हो पार, नेचुरल मेथड, हार्मोनल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। ओके तो बुझे चेस्टा कर देखो, तो केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड ये दुटा बैरियर मेथड रे। बैरियर मेथड रे कौन करा जाए ना एनीहाउ एग एंड स्पर्म रे फ्यूजन टाक प्रिवेंट करा जाए, एज ए रिजल्ट फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हला। एंड आम पढ़े ना जब फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो दैट मीन्स नो प्रेगनेंसी। बुझेगा सो बेरेड मेथड चल रहा कौन फ्यूजन ऑफ इट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और स्पर्म रो रिच कहाँ पाख ओवा पाख तार पहुँचेवाक दबनी से। बुझेगा ना तो देखो केमिकल रे कौन हम मैं केमिकल बेरियर मेथड रे कौन करा जाए ना सर्टेन केमिकल्स अप्लाई करा जाए जी कौन कर ना आइदर एसिडिटी बढ़ेदेव जेहेतु एसिड मीडिया रे सर्वाइव कर पारे नहीं स्पर्म ना तो एसिडिटी बढ़ेदेव ना सी टू प्लस आयन रिलीज अधिक करदेव तो एनी हाउ से ट्राए कर कौन ना स्पर्म रो मोटिलिटी कमाई देवाई स्पर्म रो फर्टिलिटी रिड्यूस करदे बुझेगा ना। सो ये सब ये जो केमिकल्स यूज करके सबू करा जाए। आउ गोटे मेकानिकल मेथड रे कौन हम मेकानिकल रे इन केस ऑफ फीमेल एंड मेल दुटा अच्छे देख ओके तो फीमेल रे कौन हुए फीमेल रे मेल रे बोथ मैं बोथ फीमेल एंड मेल पाई कंडम्स आर अवेलेबल जे कौन करे ना प्रिवेंट कर कौन स्पर्म एंड स्पर्म एंट्री प्रिवेंट कर बुझेगा। सो आउ कौन यूज हो पारे ना सर्टेन डिवाइसेस इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मध्य फीमेल ट्रैक्ट रे इम्प्लांट करा जाए जोटा कि प्रिवेंट करे कहा को ना स्पर्म रो एंट्री मैंने प्रिवेंट कर टू द ओवा बा गोटे बेरियर भाया से काम कर बुझेगा। एंड वन मोर थिंग्स डायफ्राम्स आर अल्सो अवेलेबल जोटा कि यूज करा जाए एज अ मेथड ऑफ मैकेनिकल बैरियर। बुझेगा तो नेक्स्ट हूँ हार्मोनल बैरियर। तो हार्मोनल बैरियर रे कौन ना आमर जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ताको कौन कर सर्टेन मैं रबर लाइक रॉड्स इम्प्लांट कर बिलो द स्किन जोटा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कर किसी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करके अनफिट कराई फॉर प्रेगनेंसी बट जमीक देख जब एसिडिक मीडिया यूटेरस अधिक होगा देन स्पर्म मध्य सर्वाइव करनी एंड यूटेराइन एनवायरमेंट को मध्य मैंने ठीक से मैंने कौन से प्रोजेस्टेरोन ठीक से अवेलेबल हलानी देन अल्सो कौन हम ना यूटेराइन एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो ना तो अल्टीमेटली कौन हम ये जो मैंने स्पर्म मोटिलिटी कमीगला ना
କିଛି ବି ରିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ଅନଫିଟ୍ କରିଦେବ ଫର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ମକୁ, ଦେନ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଗଲେ ନା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯାହା ବି କରାହେବ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓରାଲ୍ ପିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ସ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରାଯାଏ ଆଜ୍ ପିଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଇନ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ଆଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମେଥଡ୍ସରେ ଆସିଯିବ ଆମର, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଭୁଲେସନ୍ଟା 14th day ହୁଏ, ହଁ ନା, ଆଣ୍ଡ୍ ଓଭା ଓଭୁଲେସନ୍ର 1 day ତାକୁ ୱେଇଟ୍ କରିବ, ମାନେ 124 hours ୱେଇଟ୍ କରିବ ଫର୍ ଦ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଟୁ ରିଚ୍, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା, ଯଦି 1 day ଭିତରେ ଯଦି ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁନି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିଜେନେରେଟ୍ ବା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ହଁ ନା? ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମେଥଡ୍ସରେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ହେଉଛି ତା'ର ଫ୍ରମ୍ 10 to 16 days, ତ ଏ ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ କୋଇଟସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆନଦର ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପର୍ମସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଜାକୁଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଦେନ୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍। ସୋ ଦୁଇଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ମେଥଡ୍, କୋଇଟସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମେଥଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ସନ୍, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଏଇଠୁ ମୋଷ୍ଟଲି MCQs ଆସିବ। ଦେନ୍ ମନେ ରଖ, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ, ମାନେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରଖି ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଛି ଫର୍ ଦ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ମାନେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରିଛି। ଯେମିତିକି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ସମ୍ ଇଲିଗାଲ୍ କେସେସ୍ ହେଲା, ଯେମିତିକି ରେପ୍ସ ବଗେରା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ୱିଥ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜ୍, ମାନେ ଇଲିଗାଲି ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ଅର୍ ସମ୍ କେସେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଦ ଚାଇଲ୍ଡର ମାନେ ସର୍ଭାଇବିଲିଟି କମ୍ ଥାଏ, ବା କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ଫାଟାଲ୍ ପରେ ତା'ର ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବ, ତା'ର ଲେଟର୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ, ସେମିତି କେସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଟସ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା? ବଟ୍ ତା'ର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଲାଏବଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବ, ସମ୍ ରୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଓକେ, ୱାନ୍ ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ARTs ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା, ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ସଡ଼ନ୍ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେଜର୍ସ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେଇଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ଓକେ, ତ ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଲେଖିନିଅ, ତ ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟରେ ବୁଝିଲ, ତ କେମିକାଲ୍ସରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା, ଦେଖ ମେକାନିକାଲ୍ରେ ଲେଖିଦିଅ, କଣ୍ଡେମ୍ସ, ଆଣ୍ଡ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫିମେଲ୍ ଆମେ କହିଲେ ଡାଇଫ୍ରାମ୍, ଆଣ୍ଡ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ IUDs, intrauterine devices, hello, hormonal oral pills, natural methods example, period abstinence, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟେସନ୍ ଆମିନୋରିଆ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଫ୍ଟର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସୋ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମାନେ ସେଫ୍ ଫର୍ କୋଇଟସ୍, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୋ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅନେବଲ୍ ଅର୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୟାପେବଲ୍ ନୁହନ୍ତି ଫର୍ ଅର୍ ମାନେ ଫିମେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସେ, ମେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ସେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟିକୁ, ମାନେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଅ ବେବି, ଦେନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦିସ୍ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ART ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ତ ସପୋଜ୍ ଆଇଦର ଦେଖ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆସିବ, ମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଯଦି ଥିବ, ଆଇଦର ଥିବ ନା ଗ୍ୟାମେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିବ, ହଁ ନା,
तो मैंने जो रे कि पार्शियली माल फॉर्म ही थी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आइदर जदि मेल रे स्पर्म काउंट जदि लो थी देन ऑल्सो हो पारे है ना और स्पर्म रो मोटिलिटी मध्ये जदि कम हो थी देन ऑल्सो सी स्टेराइल है मैंने फर्टिलिटी इनफर्टाइल रही बुझी है ना। इन केस ऑफ फीमेल कौन हम जी प्रॉपर यूटेराइन एनवायरनमेंट दे पारे मदर किसी प्रॉब्लम अच्छे जहाद्वारा कि से प्रॉपर एनवायरनमेंट दे पारे बा इम्प्लांट हो पारे गोटे यूटेराइन वाल प्रॉपर्ली देन ऑल्सो प्रेगनेंसी हो पारे हाँ ना। आउ गोटे कथ कौन जी ओवर रिलीज हो गला फ्रॉम द ओवरी ओके रिलीज हो पारे किसी एमती मैंने कम्प्लिकेसन्स किसी डिजर्डर्स से कौन है ना ओवरटा रिलीज हो पारे फ्रॉम द ओवरी देन ऑल्सो प्रेगनेंसी हो पार ना। सो यही सब प्रॉब्लम्स को डील करने अच्छी कौन ना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ओके द फर्स्ट थिंग इज द IVF ओके इन विवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली इन विवो फर्टिलाइजेशन बॉडी रे होची ना एटा किंतु इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कौन करा हबो ना निया हे जेबो फ्रॉम एग निया फ्रॉम द फीमेल बॉडी एंड स्पर्म निया हे फ्रॉम द मेल बॉडी एंड विथ इन अ टेस्ट ट्यूब ताको फर्टिलाइज करा हबो दैट्स व्हाई ता ना होची इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो विट्रो माने ग्लास को डी करा देना तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बुझेगा IVF तो जिते बड़े कौन कर जायगोट ने आफ्टर सर्टेन स्टेज तक इम्प्लांट कर इन टू द फीमेल बॉडी छड़ाई इन टू द फीमेल बॉडी सो आउ दे टेक्निक हूँ कौन जिफ्ट एंड गिफ्ट जिफ्ट एंड गिफ्ट जिफ्ट रे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर एटा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बुझेगा ओके तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर रे कौन हम ना सी जायगोट माने विद इन सम सेल स्टेज रे माने जदि से मोर देन ब्लास्टुला माने आगरु ताको कोन करा हिजबो ना रिलीज करा हिजबो इनटू द फीमेल फैलोपियन ट्यूब तापर से अल्टीमेटली फर्दर स्टेप्स द्वारा कैरी आउट करिबो इनसाइड द फीमेल बॉडी बट एठे गिफ्ट रे कोन होवे मन रख जोठे कि गोटे मदर जे कि प्रॉपर यूटेराइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करि पारुनी बा ब्लास्टुलाटा सक्सेसफुली इम्प्लांट करि पारुनी टू द यूटेराइन वॉल से जगह आमे गिफ्ट यूज करिबा तो कोन होवे डोनर मदर माने जो डोनर मदर आ डोनर मेल डोनर फीमेल रु निया हे जेबो गैमेट्स गैमेट्स नेगला परे जेहेतु डोनर फीमेलटा इनएफिशियंट टू प्रोवाइड अ यूटेराइन एनवायरनमेंट से आ गोटे मदर रो हेल्प नबो जोठे फर्टिलाइजेशन हबो आउटसाइड द बॉडी हेला परे से जो सेल्स को नेके दिया हे जेबो काकु अनदर मदर को से मदर को कहबा में सरोगेट मदर बोली मध्ये कहबा बुझेला सो एटा को जे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एटा होचे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एटा होचे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बुझेला सो आउ गोटे टेक्निक अच्छे आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन रे कौन हुए तो मेल जितेबले मेल इनएफिशिएंट हो जाए जमीक आइदर स्पर्म मोटिलिटी कमी जाए स्पर्म काउंट कमी जाए देन कौन करा जाए ना ये जो कलेक्ट करा हबो मेल गैमेट सीमेन कलेक्ट करा हला देन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा हबो इनटू द फीमेल बॉडी दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन बुझेला सो दिस इज ऑल अबाउट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सो आम देखिले रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे कौन देखिले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन प्रॉब्लम्स एंड कौन कौन स्ट्रेटेजीज अच्छे डील करने
है ना। देन आम पढ़िले ना व्हाट आर द मैं पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो जाए कंट्रोल करने कौन कले डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स आम देखिले कंट्रासेप्शन टेक्निक्स कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आम देखिले जो यूज करपरचे है ना। तो ये आम कौन देखिले इनफर्टिलिटी को डील करने जेहेतु मैंने रिप्रोडक्टिवली हेल्दी से तो कहबेन ना जब किसी बहुत सारा मानने कपल्स इनफर्टाइल होकर अच्छा दैट इज अल्सो प्रोब्लेम टू अ कंट्री है ना। तो से जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अच्छे से बेनिफिशियल हो पार बुझेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके सो जदि किसी डाउट अच्छे तुम आराम से कमेंट बॉक्स रे पचार एंड एमसीक्यूज मोस्टली ये आसे जमीक जिफ्ट फुल फॉर्म कौन गिफ्ट फुल फॉर्म कौन GIFT फुल फॉर्म कौन ZIFT फुल फॉर्म कौन एंड को यूट्राइन डिवाइसेस को प्रिंसिपल यूज करा पचारिपर है ना। कंट्रासेप्शन रसर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आसे है आउ जदि किसी डाउट्स अच्छे तुम आम फेसबुक ग्रुप जो मुझे ना आम CHSE साइंस क्लासेस कहीकि जॉइन करके पचारिपर ना जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पचारिपर एंड नोट्स लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेगी जोटा कि देखनी। ओके जदि वीडियो भल लगला लाइक कर शेयर कर एंड सब्सक्राइब कर। ओके Thanks.